धर्म देख लीजिए खाना खाएगी। तो भाइयों ने मोहम्मद पता में आकर जंगल में जाकर आग लाकर छन्नी में से बहन को चांद दिखा दिया। बहन भाभी से बोली कि चलो घर में दे देते हैं, चांद निकल आया है। तो भाभी बोली यह चांद तो तुम्हारे लिए ही निकला है, हम तो रात को ही चांद को घर लेकर खाना खाएंगे। तो बहन चांद को घर लेकर भाई के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा थोड़ा तो बाल मिलता है, दूसरा टुकड़ा तो देव जी को मारी जाती है, तीसरा टुकड़ा थोड़ा तो राजा के घर से बुलाया कि राजा का लड़का बीमार है, और तीनों बार बक्सा खोला तो उसमें कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहना कर उसको ससुराल में भेज दिए। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध कर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सर के पैर पर टिक जाना, जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसको यह सिक्का लेकर अपने पल्ले में एक गार बांध देना। सबने कहा कि ठंडी हो, सब्र करने वाले हो, साथ भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। अब वह संसार में पहुंच गई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैरों में कोठी में चले जाओ वहां जाकर जब वह गई तो उसने देखा कि उसका पति मूर्छित हुआ पड़ा है। अपने पति की सेवा करते करते एक वर्ष बीत गया तो दोबारा करवा चौथ का व्रत आया। सारे पुरुषों ने हाथ धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, सबने सिर धोकर हाथ में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, वह सब देख के रही। पड़ोसन बोले कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद वहां करवा बेचने वाली आकर करवे ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, और ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने भी यह बात लगाई कि करवे वाली मुझे भी करवे दे के जाओ। करवे वाली कहने लगी कि मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तुझे करवे देगी। इस तरह सभी छह की छह बहनें आई तो उनको उन्होंने करवा नहीं दिया और बोली कि मेरी सातवीं बहन आएगी वो तुझे करवे जरूर देगी, उस रास्ते में कांटे बिखेर देना, तब उसके पैरों में कांटा चुभेगा, वह खूब चलाएगी और तुम जाकर उसका वो कांटा निकाल देना, वह तुम्हारे को आशीर्वाद देगी और तुम उस आशीर्वाद से उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जरूर जाएगी। तब तू उजागर करना जिससे तेरा पति स्वस्थ हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, किस रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए। जब उनकी साथ में बहन करवे लेकर आई तो उसके पांव में कांटा छूट गया, वह चिल्लाने लगी। उस राजा की बहू ने उसका पैर पकड़ दी कि जब तुमने आशीर्वाद नहीं दे दिया है तो करवे लेकर भी जाओ। तो साथ में बहनों बोली कि तुमने मुझे ठग लिया है, क्योंकि वह खुद साक्षात करवा चौथ माता थी। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखून पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चित्री मूर्ति का उंगली का सिंटा साथ ही को करवे भी दे दिए। और करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और उठकर बोला कि मैं बहू सो जा। वह बोले कि सो नहीं, 12 महीने हो गए मैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने दोबारा सुहाग किया तो उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन कर दो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुन ली। इतने में उसकी बागी तेल की बनी हुई पूरी सब्जी लेकर वहां आ गई। दोनों को चौपट साग खेलते देखकर दोबारा घर जाकर उसकी सासू से बोली कि मैं खूब रौनक हो रही है, तुम्हारे बहू बेटा चौपट खेल रहे हैं, इतना सुंदर सासू उनको देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली बहू सच सच बता तुमने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा चौथ को अपने पीर में जाकर व्रत रखती कि हे चौथ माता, जैसे राजा के पति को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते सुनने सब परिवार के स्त्री को सुहाग देना। वो श्री करवा चौथ माता की जय। श्री भगवान की।